ये जमीन है, टोटल जमीन ही जीएम है, जिसमें कि कुछ एरिया में 1 एकड़ 57 डिसमिल में हमारा सरना स्थल है, अलग से है, और 8 एकड़ है जो कि पूर्ण रूप से जीएम है, जिसमें उसी के बीच में हमारा ये एरिया है जो कि खेल का मैदान के लिए चिन्हित किया हुआ है, जो कि ग्राम सभा से पारित होके बायदे एक बार नहीं 3-4 बार ग्राम सभा से पारित होके हमने ये जमीन को खेल मैदान, जब योजना आया मनरेगा के तहत कि खेल मैदान बनाना है, तभी ग्राम सभा के द्वारा हमने पारित करके इसको ग्राम सभा के माध्यम से वीडियो को सीओ को जमीन लाइन के स्तर पे सीओ को दिया है और खेल मैदान के स्तर पे वीडियो को भी दिया है। लेकिन आज तक जनवरी से लेकर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है, ना हमारा खेल मैदान बना है। खेल मैदान बनने की बात आ रही है, वहाँ हमारे गांव के ही जो भाई लोग इसमें कब्जा करके खा रहा है, जोत कोड़ करके खा रहा है, कागज के रूप में जब ग्राम सभा हुआ था उसी बीच में सीओ ने पूछा था कि भाई आपका कोई कागज है, बंदोबस्ती का कोई कागज है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। इस आधार पे सीओ ने कहा कि ये जमीन आपकी नहीं है, इसमें खेल मैदान बनना चाहिए, लेकिन वो कथन में रह गया और कागजाती तौर पे हम सभी ग्राम सभा से करके दिए, लेकिन आज तक हमारा कुछ काम नहीं है। आए दिन हमारे साथ मारपीट की संभावना हो जा रही है, ग्राम सभा में झड़प हो जा रही है और भाई लोग इसमें करप्शन पे करप्शन किए जा रहे हैं, तो ये स्थिति हमारे बीच में पैदा हो रखी है। गांव में जब सीओ अधिकारियों के साथ में बैठक हो चुकी थी, उसके बाद में यहाँ देखा जा रहा है कि फिर भी मैदान जो खेल का मैदान है इसको जोत दिया गया है, ये कौन लोग किए हैं और क्यों किए? ये जब हमारे ग्राम सभा में सारे अधिकारी के बीच में बैठक हो गई, उसके बीच भी हमारे गांव के ही पहान के कुछ परिवार लोग हैं जो कि इसमें घर भी बनाने को दो सप्ताह पहले घर भी बनाने का कोशिश किया, जिसको फिर हमने रोका, और इसमें अभी फिर फिलहाल फिर जोतकोड़ कर रहा है ये जो कि गांव के भाई लोग ही है जो कि इसमें करप्शन कर रहे हैं, जिसमें पहान के परिवार लोग हैं। तो इस मामले की सूचना क्या अधिकारियों को दी गई है? हाँ, ये सारे मामले की सूचना अधिकारी को दिया गया है, बरसती ये थाना पे भी ये मामला चला गया है, क्योंकि 144 जिस समय हम लोग की झड़प की बात हो गई थी उस समय 144 थाना के माध्यम से लग गया था। हमीन गरीबी है, आदिवासी उन्होंने नौकरी करे ना, सेल हमीन के दबाए खोजे ना, मारे खोजे ना, तो हमीन उमन से नहीं ना लड़े पार्बे, उन्होंने नौकरी वाला है, तुम उन्होंने पैसा वाला है, हमीन तो कोनो कोनो कर के जिया थी खा थी, एक एक टुकड़ा जो तो तरी से खो घेर दिलाए, तो हम इन कहाँ जाब कर। लगातार गांव में हो रहा है, क्या क्या बताना चाहेंगे इस बारे में आप? यहाँ पे झड़प हो रहा है, जो मैदान जो ग्रामीण चाह रहा है कि यहाँ मैदान बने, तो उसका विरोध सिर्फ एक ही परिवार कर रहा है। जो परिवार विरोध कर रहा है वो अपने आप को पहान बोलता है, पहान है, और वहाँ से आधा भाई धर्म परिवर्तन कर चुका है, क्रिश्चियन में चला गया है, और उसी में से कुछ भाई जो सरना के बगल में गैर गुजरा जमीन है, तो वहाँ जहाँ मैदान बनाना चाह रहे हैं, वहाँ वो एक भाई अकेले सब जमीन को हटने चाह रहा है, और साथ में उसका और भाई सब है जो गांव में जितना गैर मजूरा जमीन है अलग अलग जगह में कैप्चर कर रखा है और कैप्चर करना चाह रहा है। मतलब ये परिवार जो है वो सिर्फ जीएम लैंड पे ही कब्जा करने का एक षड्यंत्र रचा हुआ है। हाँ, ये परिवार है पूरा गैर मंजरा को षड्यंत्र रचा हुआ है कि जितना मौजम में जमीन है गैर मंजरा उसको अपना कर ले। गैर मंजरा जमीन है और गैर मंजरा में कुछ जो ग्रामीण कच्चा मकान बनाए हैं और बाकी ग्राम सभा में भी जो कच्चा मकान बनाए उसके लिए आपत्ति नहीं है जी। लेकिन बहुत सारा जो जमीन ऐसे भी छूटा हुआ है और उसमें सरकार का ही एक महत्वाकांक्षी योजना है हर गांव में हर पंचायत में फुटबॉल मैदान बनाने का, खेल मैदान बनाने का, और वही खेल मैदान के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, और उसी में से कुछ लोग मतलब मकान भी बनाए सक्षम भी है, जो लोग नौकरी पेशा भी है सक्षम भी है और मकान बना लिए, चलिए भाई सब मकान बनाए, मकान बनाने के लिए लोगों को आपत्ति नहीं हो, लेकिन मकान बनाने के साथ साथ जितनी भी खाली जो गैर मजरूआ जमीन है उसको लोग कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसी कब्जा करने के चक्कर में कई बार झड़प हुआ ग्रामीणों के बीच में, और जब झड़प हुआ तो पुलिस प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, विधायक प्रतिनिधि सारे लोगों के साथ, लॉकडाउन के दौरान ये झड़प हुआ था, तो उस दौरान लोगों ने
सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर बैठक हुआ था। बैठक होने के बाद ये तय हुआ था कि ये गैर मजरूआ जमीन है और जितने लोग हैं मकान को छोड़ के बाकी जो दखल करेंगे सबको खाली करेंगे और ज्यादा होगा तो बाकी सारा चीज सारे जमीन को खाली कराया जाएगा, ये अंचल अधिकारी का कहना था। तो निर्णय हो चुका था, निर्णय हो चुका था और ये हुआ था कि यहाँ ये खेल मैदान बनेगा और बाकायदा उसके नापी भी हुआ जी। अंचल कार्यालय से सरकारी अमीन कर्मचारी आके धरना स्थल भी यहीं पर है और खेल मैदान भी यहीं पर गैर मजरूआ उसकी नापी भी बकायदा की गई। नापी करने के बाद रिपोर्टिंग करके ये खेल मैदान शुरू करने का है और ये सरकार का मतलब महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें ग्रामीणों का बेनिफिट है। गांव वाले जब खड़े होकर साथ देने के लिए तैयार है तो सरकार फिर पीछे क्यों हट रही है? बिल्कुल, ये सवाल उठता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो जिस तरह से आज भी झड़प हुआ और लगातार एक झड़प की स्थिति बनी हुई है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो गांव की संपत्ति सरकार के लिए गांव का, चूंकि सारे लोग फुटबॉल मैदान बनेगा तो सारे के बच्चे खेलेंगे जी। और उस जगह में प्रशासन की ये लापरवाही अनदेखी कहीं ना कहीं कोई अप्रिय घटना को निमंत्रण दे रही है। मतलब निजी लाभ के लिए पाहन परिवार जबरन जमीन पे कब्जा कर रहा है खेल मैदान में जी। पाहन परिवार तो है लेकिन अब जो पाहन वाला जो लाइन से भी जिसने कब्जा किया है पाहन वाला लाइन से भी वो लोग अलग हो चुके हैं, क्रिश्चियन धर्म वो जो पुजारी करने का है उससे भी अलग हो गए हैं। बावजूद चूंकि ग्रामीण है, घर मकान बनाने के लिए किसी ने कोई विरोध नहीं किया, धर्म पर किसी ने कोई ये नहीं किया, लेकिन हाँ बाकी जो जमीन है वो जमीन जब सार्वजनिक है तो सार्वजनिक ही रहे। कोई एक व्यक्तिगत आदमी बहुत ज्यादा करेगा पूरा जमीन कब्जा करेगा तो बाकी लोग तो आपत्ति करेंगे। तो मैडम जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी राजस्व कर्मचारी यहाँ पर लापरवाही बरत रहे, एक तरह से कहते हुए वो झड़प होते हुए देख रहे हैं जी, उनको पता भी है इस बात का, तो इनके खिलाफ क्या कुछ आंदोलन वगैरह किया जा सकता है जी? आज का जो सिचुएशन बना तो ग्रामीण तय करेंगे और प्रखंड तो जाएंगे ही लोग। और इसके पहले हम लोग डीसी को भी लिख के दिए हैं, एलआरडीसी को भी, डीडीसी को भी खुद एप्लीकेशन लिख के दिए हैं कि ये जो फुटबॉल मैदान जो बन रहा है और जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को जितना जल्दी सॉल्व कर दिया जाए उतना बेहतर है। बावजूद इसके कोई ये नहीं है और इसके लिए तो भाई यहाँ की जनता तो जाएंगे। मैम एक सवाल ये है कि आपका लांकू अंचल में ही एक तेतरी मौजा है जी, जी। वहाँ पर लगभग 8 एकड़ जो है वो जीएम लैंड है जी। तो वहाँ पर कुछ जमीन मनरेगा योजना के तहत जो है वो खेल मैदान के लिए चिन्हित भी किया गया है जी, जी। लेकिन अभी परसों रोज वहाँ पर देखा गया कि एक पक्ष के द्वारा उस जो चिन्हित मैदान है उसको ट्रैक्टर से जोत दिया गया है और वो वहाँ अपना दावा कर रहा है। ऐसा है कि वो 8 एकड़ जमीन का जो मैदान का बता रहे हैं उसके उसको लेकर के हम लोगों ने एक ग्राम सभा भी की थी जिसमें मैं खुद भी मौजूद थी आज से 3 महीने पहले और उसी में हम लोगों ने ये आदेश भी दिया था कि वहाँ पे नापी करा लिया जाए क्योंकि सरना स्थल और खेल मैदान दोनों का ही जरूरत था उन लोगों को। कुछ लोग कह रहे थे कि सरना स्थल पे इंक्रोचमेंट है तो हम लोगों ने नापी कराया तो सरना स्थल पे तो कोई इंक्रोचमेंट नहीं है लेकिन खेल मैदान जो है उसमें कुछ जो वहाँ के ही असामाजिक तत्व टाइप के हैं या कुछ माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कुछ ऐसा करने का, तो ये खबर मेरे इसमें है। हम लोगों ने नापी वापी कर ली और रिपोर्ट भी कर दिया है अपने वरीय पदाधिकारी को, एसडीओ मैडम को भी रिपोर्टेड है ये चीज कि वो जल्द से जल्द उसमें हम कि वो खेल मैदान के लिए उपयुक्त है वो जमीन तो वो चिन्हित हो जाता है अगर खेल मैदान के लिए तो उसमें खेल मैदान निर्माण हो जाएगा। और जहां तक अतिक्रमणकारियों का बात है तो उसको तो हम लोग अतिक्रमणवाद के तहत जो हम लोगों के अंतर्गत आता है वो हम लोग उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।